आनंद दुबे जी सीधे आपके पास आते हुए माफी मांगेंगे उद्धव ठाकरे, उन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ है ये साथ सज्जा। चित्रा जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप किसी व्यक्ति पर, किसी सरकार पर बिना सबूत, बिना तथ्य के आरोप लगा रहे हैं, जबकि 2015 में जब उसे फांसी हुई और उसके बाद यह 5 साल पहले बना हुआ है, वहां के प्रबंधकों का ऐसा कहना है। दूसरी बात, लाइट को लेकर कहना है कि एक दिन के लिए लाइट लगी थी शबे बारात, ये उनका इंटरनल मामला है कब्रिस्तान, बड़े कब्रिस्तान का। अब इसमें मैं बात नहीं समझ पा रहा हूं कि मामला ट्वीट कैसे कोई हो सकता व्यक्ति है आतंकवादी के मुद्दे पर, इंटरनल मामला कैसे हो सकता है एक आतंकवादी के कब्रिस्तान को, अगर कब्र को मजार बनाने की कोशिश की जा रही है तो फूल चढ़ाया जाएगा, चादर चढ़ाया जाएगा, दीपक जलाए जाएंगे, सजाया जाएगा उस हिस्से को, इसका समर्थन कौन कर रहा हुआ है? कैसे ये पूछा जा रहा है ना? थोड़े दिन में पता चलता है कि कुछ दिनों के बाद वहां पर पूजा पाठ शुरू हो गई, लोग जा के दुआएं करने लगे। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आप जांच करिए, किसी भी जांच प्रक्रिया से हम गुजरने को तैयार हैं। लेकिन किसी के ऊपर बार बार ये आरोप लगाना कि आतंकवादियों का दोस्त है, ये आतंकवादियों का मित्र है, ये आतंकवादियों का समर्थक है, ये सरकार आतंकवादियों का समर्थन करती है, देखिए इस बात से आपत्ति है। देश की जनता सब देख रही है। लगी थी लाइट को आज निकालने की जरूरत क्यों आन पड़ी आप बताइए आनंद दुबे जी। देवेंद्र फडणवीस जी तब मुख्यमंत्री थे, चल रही थी ना इसी तरह की स्थिति। देवेंद्र फडणवीस जी नहीं, देवेंद्र फडणवीस जी तब मुख्यमंत्री थे, उनको जांच करनी चाहिए थी। 5 साल पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी थे। देखिए ट्वीट करके किसी व्यक्ति को, किसी सरकार को बिना तथ्य और सबूत आप बदनाम नहीं कर सकते। सुबह से देश के अलग अलग मीडिया पर ये खबरें चल रही है कि उद्धव ठाकरे माफी मांगे। अरे भाई क्यों मांगे माफी जब उनकी कोई गलती नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है। हम सबसे बड़े हिंदू कहते हैं। अरे आपकी सरकार की नाक के नीचे एक आतंकवादी की कब्र को मजार में तब्दील किया जा रहा है, थोड़ी देर में लाइन लगने लगती वहां पर। 5 साल पहले कि दुआ मांगिए, दुआ मंजूर होगी। आपको अंदाजा है कि आनंद दुबे जी, हालांकि आप लोग तो साथ में ही थे ना, राम कदम जी से भी इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, क्योंकि साथ साथ दोनों ही लोगों की जिम्मेदारी जवाबदेही बनती है। ये देश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा एक आतंकवादी के मजार को, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हिम्मत और हिमाकत कहां से आती है आनंद दुबे जी? इस तरह की हरकत करने की कोशिश किसकी ओर से की गई है? ये पता लगाइए। लेकिन हमारे अंदाजा है 257 लोग मारे गए, उनके परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी इस वक्त? 700 से ज्यादा लोग, जिसमें से बहुत सारे नरेश सर्राफ, एक पैर नहीं है उनका। मुंबई कर आज भी वो लगे होकर चल रहे हैं, धमाके में एक पैर भी चली गई, ईश्वर से काटे गोलियां लगी थी, आज तक नहीं निकल पाए हैं उससे। ऐसे लोगों की लंबी फहरिस्त है, 700 से ज्यादा लोग हैं ऐसे, और हम आतंकवादी को महिमामंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। चित्रा जी आप शायद भूल गई हैं, आप 1993 के समय मुंबई करों से पूछिए कि आतंकवादियों के खिलाफ शिवसेना की क्या नीति रही है। हम तो लड़ने वाले लोग रहे, आतंकवादियों के खिलाफ रहने वाले लोग हैं, लेकिन केवल हमें बदनाम, केवल हमें हमारे चरित्र को कलंकित करने का काम किया जा रहा है। केवल बार बार ट्वीट करके हमें बदनाम कर रहे हैं आप, जानबूझकर। आप हमसे आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप हमसे आमने सामने की लड़ाई लड़िए, पीछे से वार मत करिए, आप इतना बड़ा कलंक मत हमारे माथे पर लगाइए। हमने आपको छोड़ा है, हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, 100 बार बोल चुके हैं, और हमारे माथे पर हिंदू विरोधी की टीका मत लगाइए। आपको हिंदुत्व की ये बार बार आरोप लगाते हैं, ये बार बार ये दिखाना चाहते हैं कि हम महाविकास के साथ गए तो हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। अरे क्यों भाई, हमने महाविकास के साथ एक समझौते में एक सरकार बनाई थी, सरकार अब नहीं है, हमारा हिंदुत्व तो जो पहले था वही आज है, वही कल रहेगा। बार बार कहा जा रहा है कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हिंदुत्व से कॉम्प्रोमाइज किया आपने, और महाविकास अघाड़ी में एनसीपी और कांग्रेस जो कहते थे उन्हीं की चलती थी, इस वजह से यह हाल है। तुष्टीकरण की राजनीति का यह हश्र है। जांच कराइए, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है चित्रा जी, ठीक है। हम देखिए, हम बार बार यही कह रहे हैं कि हम पर आरोप लगाइए तो सबूत दिखाइए, सबूत दिखाइए कि हम आरोपी हैं, हमने मजार बनाने में मदद की, हमने लाइट लगवाने में मदद की, हमें बताइए। लेकिन सिर्फ आरोप लगा के देश की जनता के सामने छोड़कर चले जा रहे हैं, बताने का काम नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, जो कुर्सी पर बैठा हुआ है उसके नाक के नीचे क्या हो रहा है इस बारे में जानकारी उसको होनी चाहिए।
और अगर इस बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं थी तो आपको सोचना होगा कि कैसी सरकार आप चला रहे थे। आदित्य ठाकरे की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब सरकार थी तब उसको समुद्र में क्यों नहीं लेकर जाया गया, उसको दफनाया क्यों गया, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए। लेकिन देश की जनता को यह समझना होगा कि 2015 का उसके आसपास का जब ये मामला है तो शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी, इस वजह से दोनों की ही जवाबदेही इस पूरे मामले में बनती है। मैं आपके पास आऊंगी इस सवाल का जवाब लेने के लिए, राम कदम जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले सूरज चौहान जी आपके पास आते हुए, आतंकवादी को महिमा मंडित अगर किया जाएगा तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा, लाइट तो आप लोगों के ही कार्यकाल में लगी है, फूल तो तभी बरसाए गए, भाग नहीं सकते इस सवाल के जवाब से आप लोग। चित्रा जी, ये इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, हमने सरकार से मांग की है, मगर उससे पहले देश से माफी भारतीय जनता पार्टी ने मांगनी चाहिए, देवेंद्र फडणवीस ने माफी मांगनी चाहिए। क्यों मांगनी चाहिए? 2015 में वो सीएम थे, वो एचएम थे, मतलब होम मिनिस्ट्री उनके पास थी महाराष्ट्र की। एक आतंकवादी का जुलूस निकालने की परमिशन कौन देता है? देवेंद्र फडणवीस साहब देते हैं। अगर बीएमसी का रूल क्या है चित्रा जी, बीएमसी का रूल है कौन जाता है रात में याकूब मेमन को बचाने के लिए दरवाजा खटखटाने? मैं थोड़े मेरा पूरा होने दीजिए चित्रा जी, मुझे मेरा पूरा होने दीजिए, मेरा पूरा होने दीजिए। याकूब मेमन के जब जुलूस निकल रहा था, परमिशन देने वाले देवेंद्र फडणवीस थे। बीएमसी का नियम है, अगर किसी को दफनाया जाता है तो 18 महीने के बाद उस कब्र में दूसरे व्यक्ति को दफनाया जाना चाहिए। वो क्यों नहीं हुआ? देवेंद्र फडणवीस की सरकार 19 तक थी, तो उस कब्र को सपोर्ट किसने किया? हाँ। उसको प्रोटेक्ट किसने किया? ये सवाल है हमारा। फिर आप लोग क्या कर रहे थे? ढाई साल आप लोग क्या कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के पास थे। अभी बीजेपी के पास में जाऊंगी, आप लोग क्या कर रहे थे बताइए ना सूरज चौहान जी, और आखिरी वक्त में भी उसको बचाने की कोशिश किसकी ओर से की गई? कौन लोग वकालत कर रहे थे बताइए आप जरा? कोई नहीं मचा रहा था, आतंकवादी को कोई नहीं। आधी रात को इस देश की अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए कौन पहुंचा था? कोई नहीं पहुंचा था। आतंकवादी को फांसी होनी चाहिए, और वो आतंकवादी था, उसकी कब्र को जिसने भी, ये मुझे लग रहा है कि आने वाला इलेक्शन देख के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जानबूझ के ये धार्मिक मुद्दा उठाया जा रहा है, ताकि लोगों को गुमराह करके लोगों का वोट लेने के लिए ये सब किया जा रहा है। चित्रा जी, अगर आप इनकी चाल समझ रहे हो तो ये सिर्फ बीएमसी इलेक्शन के लिए किया जा रहा है। इतने दिन याकूब की कब्र को प्रोटेक्ट किसने किया है? सवाल यह है, बीएमसी का रूल होने के बावजूद भी, युवा बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के पास रहने के बावजूद भी वो कब्र जैसी रहती है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसकी राजनीति कर रहे हैं। हमारी मांग है इसकी इंक्वायरी हो और याकूब मेमन की जो कब्र है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। ये बातें तभी समझ में आ रही हैं जब आपके ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं। ढाई सालों तक जब सरकार में थे तो न जाने कहां पर आप लोगों, नहीं सर, भाजपा से पूछ लूंगी, जैसे दिखाई देते हैं राम कदम जी वैसे ही मैं सवाल पूछ लूंगी। अरे सवाल उठते हैं आप लोगों के ऊपर, सवाल उठते हैं आपके ऊपर, पूछा था मैंने राम कदम से, दोबारा दिखाई देंगे मैं पूछ लूंगी, लेकिन सवाल पूछा जाएगा ना। आतंकवादी को पहले बचाने की कोशिश होती है, उसके बाद उसकी कब्र बनवाई जाती है, कब्र को फिर मजार में तब्दील किया जाता है, फिर फूल बरसाए जाते हैं, फिर लाइट लगाई जाती है, और 257 लोग जिनके घर वाले आज की तारीख में नहीं है उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी? कैसी राजनीति करते हैं आप लोग? राजनेताओं को शर्म क्यों नहीं आती है इतने गंभीर मामले पर? जिन्होंने अपने परिवार को खोया है उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी उसकी कब्र को मजार में तब्दील होते हुए देखकर? विशाल मिश्रा जी, लेकिन बच तो नहीं सकते ना, शिवसेना कह रही है कि दरअसल चुनाव नजदीक है इसलिए मिल गया इनको हिंदू मुसलमान का मुद्दा। सबसे पहली बात तो यह है कि इतना दुर्भाग्य का विषय कि जिस व्यक्ति जो इतना दुर्दांत आतंकवादी रहा हो, जिसको ये मतलब 250 से अधिक लोगों की जाने गई हो, 700 से अधिक लोग आज भी डिसेबल्ड होके किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, जो देश के लिए खतरा बना हो, और उसके लिए इस प्रकार की जो है उसका वो जो है महिमा मंडन किया जा रहा है। आखिर सवाल उठता ये है कि ये परमिशन आई तो आई कहां से? ऐसा तो है नहीं कि किया जो है किसी के संज्ञान में ना रहा हो, और अगर संज्ञान में नहीं रहा तो ये तो और बड़ी प्रशासनिक भूल है। और यहाँ पे हर बात को राजनीति से जोड़ देने की क्या आवश्यकता है? सवाल ये उठता है यहाँ पर, आप लोगों से पलट के पूछा नहीं जाएगा मंडन करने की समंदर में एक आतंकवादी की कब्र बनाने की क्या जरूरत पड़ी, क्या जरूरत है परमिशन देने की?
पूछा नहीं जाएगा करण के आप लोगों से? बिल्कुल बिल्कुल पूछा जाना चाहिए कि इस प्रकार का, इस प्रकार की मतलब कौन सी मतलब परिस्थितियां बनी और क्या मतलब ये उचित था। मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी एंगल से किसी भी तरीके से ये कोई एक उचित है। बिल्कुल सरासर इसकी जितनी निंदा की जाए और इसके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सरकार को जांच करनी चाहिए और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनको उसकी जो है कृत्य की सजा देनी चाहिए। किसी भी मामले में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता और हर बात को राजनीति से जोड़ देना, लेकिन उसके पीछे की भी तो परंपरा रही है तुष्टिकरण की, तो किस तरीके से तुष्टिकरण देखिए, जब आदमी साथ में बैठता है तो कहीं ना कहीं हावी होना स्वाभाविक है। तो इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार के तुष्टिकरण को क्यों पनपने दिया गया, क्यों परमिशन, मतलब सीधे आपके पास आते हैं लगने जाएगी जिस प्रकार से आपके जो चैनल मैं जाऊंगी, लेकिन एक जल्दी से टिप्पणी ले लेती हूं शोएब जमाई की, कार्रवाई होनी चाहिए और नवनीत राणा कहकर गई है कि बुलडोजर चल जाए, बातें खत्म हो जाएगी उसके बाद। देखिए चित्रा जी, ये सवाल वही पार्टी उठा रही है जो गोडसे का महिमा मंडन करती है और बलात्कारियों को संस्कारी कहती है। मैं जानता हूं एक समाज के तौर पर, और मैं भी खुद जिसको आतंकवादी कहा है यहां से सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको फांसी की सजा हुई आतंकवादी है, उसका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। इसी समाज ने यहां से अजमल कसाब का लाश लेने से और कहीं मुंबई में दफनाने से इनकार कर दिया था, और इसी मुस्लिम समाज ने यहां से कहा था कि अजमल कसाब को किसी भी मुंबई के कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाएगा, तो बाद में उसको जेल में ही दफना दिया गया। याकूब मेनन के केस में भी ऐसा ही करना चाहिए था, नहीं सौंपना चाहिए था और जेल में दफना। वही मुस्लिम समाज यहां पर क्यों चुप हो जाता है? सुन लीजिए, अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आज मैंने आपके चैनल के माध्यम से देखा, उन्होंने कहा कि भाई उसके परिवार के, यानी कोई भी यहाँ से चाहे वो अपराधी हो या आतंकवादी हो, उनके बच्चों के लिए वो बाप है, उनकी बीवी के लिए वो हस्बैंड है, वो आते हैं चराग जलाते हैं चले जाते हैं, कोई समाज के तौर पर कोई सेंटिमेंट सेंटिमेंट दिखाने यहाँ पर आगे बताने के परिवार है, बच्चे हैं, इस वजह से चिराग जलाएंगे ही और थोड़े देर में वहां पर फूल चढ़ाने के लिए लंबी लाइनें लगने लगेंगी। नहीं, आप बता रहे हैं ना कि परिवार है, बच्चा है तो फूल चढ़ाने जाएंगे ही।